को अच्छे से रिवाइज करें मैट्रिक के परीक्षार्थी। यूँ तो कोरोना ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, लेकिन इसने छात्रों को भारी क्षति पहुंचाई है। ऑनलाइन क्लास तो चली, लेकिन कई जानकारी से छात्र महरूम रह गए। अब मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा सिर पर है, छात्र चिंतित हैं। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, किन बातों को ध्यान में रखें, ऐसे में लक्ष्य कोचिंग सेंटर के निदेशक इंजीनियर अविनाश तिवारी ने छात्रों को कुछ खास टिप्स दिए हैं। कोरोना जैसे भयानक महामारी से हम लोग दौर से गुजरे हैं, ठीक है। इस दौर में ज्यादातर सबसे ज्यादा अगर दिक्कतें हुई हैं तो वो छात्रों के साथ हुई है, छात्र छात्राओं के साथ हुई है। उनका पढ़ाई बाधित हुआ है। कुछ कार्य तो सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में जहां तक हो सका है बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आई हैं। खासकर छोटे बच्चों में भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, उनका तो कंप्लीट स्कूल बंद रहा है। लेकिन बड़े बच्चे भी जो स्कूल नहीं जा सके हैं या रेगुलर कोचिंग नहीं कर पा सके हैं, उनका मनोबल थोड़ा सा कम लग रहा है। लेकिन इस समय आपको मनोबल कम करने का जरूरत नहीं है। आप जितना पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करें, पूरे एनसीईआरटी पैटर्न को, बोर्ड के पैटर्न को आप समझें, ठीक उसके हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें। बोर्ड ने आपके लिए निर्देश जारी किए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी बहुत सारे रहेंगे इस बार। जैसे बोर्ड का कहना है कि बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे बच्चे जिनको जो हर चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं, वो जिन चैप्टरों को किए हैं उनसे क्वेश्चन उनको मिलता जुलता रहे। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ जाए, ताकि उससे आया हुआ प्रश्न आपका छूटे नहीं। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो या बायोलॉजी हो, जो भी हो आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं वो हो, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें अच्छे से पढ़ें उसका कोई भी उसमें टॉपिक। अगर आप कोई, जैसे आपने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया, तो अगर आप ठीक है, आपके फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपके इलेक्ट्रोस्टेट है, करंट है, मैग्नेट है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, तो सबसे पहले ये समझिए कि किस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ रखा है, पहले उसको पूरा करने का जरूरत है, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स पहले देखा, जैसे आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स आपको पहले से पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स उसके पढ़े हुए हैं, तो उसको आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप रे ऑप्टिक्स पढ़ें, ठीक है, उसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ें, ठीक है। सबसे ज्यादा इस अभी के समय में बच्चों को जरूरत है कि अपना मनोबल ऊंचा रखने का। मनोबल अगर आपका नीचे रहेगा, आप हमेशा डिप्रेशन के शिकार रहेंगे, तो आप कभी भी अच्छा एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम में बेहतर करने के लिए आपका मेंटल स्टेटस ऊंचा होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये समय सिर्फ आपके साथ, एक इस छात्र के साथ ऐसा नहीं है, सभी छात्रों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है, सभी के साथ ऐसा दिक्कतें हुई है, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चली है, दिक्कतें सबके साथ है। इसलिए आप अपने को कमजोर नहीं समझे, आप समझे आप जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको नियंत्रित करते रहना है, ठीक है। अभी समय आपको बहुत कम है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा करने का तरीका क्या है इसको अपनाएं। तो उसके लिए आप देखिए क्वेश्चन बैंक, सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन बैंक है 10 साल के, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन है, पहले उनको आप टिकआउट कीजिए और उनके आंसर्स आपके साइंस बुक से पढ़िए, आपके एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, जो आपके मार्केट में अवेलेबल है शॉर्ट आंसर्स उनसे नहीं पढ़िए। उनसे पढ़ने में क्या होगा, आपका स्कोरिंग कम होगा। आप जो भी पढ़िए अपने नोट्स के अंदर से पढ़िए, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से पढ़िए या बुक से पढ़िए। दूसरा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज कलेक्शन कीजिए, ठीक है। जैसे आपने एक चैप्टर उठाया, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को एक जगह कलेक्ट कीजिए, अच्छे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपके आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का भी अच्छा स्कोर हो गया है, ठीक है, 50% मार्क्स ऑब्जेक्टिव के हैं, तो 50% मार्क्स आपको सोचना है कम समय में कैसे गेन करें। इसके लिए आप प्रत्येक टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को आप उठाते हो, उस टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उनको लिख लें। फिर ज्यादातर फॉर्मूलों का यूज ऑब्जेक्टिव में किया जाता है, तो फॉर्मूलों में आधारित जो क्वेश्चन होंगे उनको आप करें अच्छे से। ऐसे करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। और ये आप देखिए कि कौन सा टॉपिक आपका सबसे अच्छा है, उसको रिवाइज करते रहिए, उसको छोड़िए नहीं, और जो आपका वीक लगता है उसको पढ़ें। जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को सबसे पहले पढ़ें, ठीक है। और वहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, आसानी से फॉर्मूलों के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है, इसलिए वहां से आपके क्वेश्चन अच्छे तैयार हो सकते हैं। कैलकुलस ज्यादा मार्क्स का है भी, आपका लगभग लगभग 50% मार्क्स का वो है कैलकुलस, इसलिए कैलकुलस को सबसे पहले तैयार करें और उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अच्छे से याद करें। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहें कम समय में तो आप कुछ वैसे टॉपिक्स को ही पढ़ें जो आप पहले से पढ़े हुए हैं और अच्छे से तैयार किए हुए हैं। उसके बाद आप वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वेक्टर से आपको वेक्टर से रिलेटेड 3D होता है, तो 3D में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर 3D दोनों को मिला के एक साथ पढ़ें और आपका यहां से बढ़िया स्कोरिंग हो सकता है। विगत वर्षों से देखा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक अलजेब्रा में दो ही चैप्टर है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, वहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वहां आपके मतलब कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ये देखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन एग्जैक्टली आपके लिए कौन सा सब टॉपिक अच्छा है, जो आपको आसान पड़े। जैसे मेरा मानना है कि आप मैथ्स में आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ लें, मैट्रिक्स पढ़ लें, डिफरेंशिएशन पढ़ लें, इंटीग्रेशन पढ़ लें, वेक्टर पढ़ लें, 3D पढ़ लें, तो इनसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी टॉपिक्स तो बहुत भी है, प्रोबेबिलिटी है, इसको पढ़ लें, थोड़ा सा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सबसे बड़ा बात है कि बहुत सारे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब ये छोड़ो आप ये कर सकते हो, ऐसा करने का ऑप्शन आपके पास बहुत सारा रहेगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि वहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं, न्यूमेरिकल सुन के फॉर्मूले पर ध्यान दें। ठीक है, आप ऑर्गेनिक में भी अपना वो देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और इनऑर्गेनिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ें। ठीक है, और आप उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करें, अब चुने उन क्वेश्चन को, उन प्रश्नों को चुने जो हमेशा पूछे जाते हैं।